Hey guys, what's up? This is Kaushik here and once again welcome to my channel. दोस्तों finally Xiaomi ने पहली बार Indian Mi fans के लिए कुछ special किया है जो कि है Redmi Note 5 and Redmi Note 5 Pro. ये दोनों डिवाइस ही globally India में exclusively launch हुआ है. मेरा पास Redmi Note 5 Pro का 4GB plus 64GB का model है और दोस्तों ये एक Indian retail unit है. तो आज मैं इसी फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और साथ ही साथ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये फोन का डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा. तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कौशिक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों ये है फोन का बॉक्स. जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स पैकेजिंग वही सेम Xiaomi का अदर्स फोन का पैकेजिंग के जैसा ही है. बॉक्स का फ्रंट साइड में लिखा है Redmi Note 5 Pro by Xiaomi एंड बॉक्स का पीछे की तरफ ये फोन का कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में लिखा गया है. एंड गाइज, वन थिंग टू नोटिस, जो कि ये फोन मेड इन इंडिया नहीं है, इस बार ये मेड इन चाइना है. पर्सनली नॉट अ मैटर फॉर मी, आई जस्ट मेंशन इट. एनीवेज, तो चलिए सबसे पहले ये फोन का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा एक सिलिकॉन केस. ये थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का केस है, क्वालिटी अच्छा है और ये बहुत ही सॉफ्ट केस है. अब यहाँ पे है मेन यूनिट यानी Redmi Note 5 Pro itself. अभी फोन को साइड में रखते हैं. उसके बाद यहाँ पे है यूजर गाइड एंड सम ऑफ अदर पेपर वर्क्स एंड देन यहाँ पे है एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी केबल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टर टूल. यह है पावर ब्रेक. पावर ब्रेक का रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो कि एक स्टैंडर्ड चार्जर है यानी नो फास्ट चार्जर. हालांकि दोस्तों ये फोन क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, बट आपको अलग से फास्ट चार्जर परचेस करना पड़ेगा. एनीवेज, तो दोस्तों ये था Redmi Note 5 Pro का सारे के सारे बॉक्स कंटेंट. अभी ये सबको साइड में रखते हैं और मैं अभी एक बार ये फोन को बूट करके सेटअप कर लेता हूँ, देन फोन को देखते हैं. तो दोस्तों मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ. सबसे पहले ये फोन का डिजाइन एंड फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, एक फ्रेश लुक है. ये फोन फुल्ली मेटल से बना हुआ है एंड फोन का बैक साइड में ये सिर्फ ऊपर एंड नीचे की तरफ एंटेना साइड प्लास्टिक का है. ओवरऑल फोन काफी सॉलिड बिल्ड है मेटलिक मैट फिनिश डिजाइन के साथ. फोन का दोनों साइड ही कर्व्ड है तो इससे फोन को होल्ड करने में भी काफी कंफर्टेबल फील आएगा. फोन का थिकनेस है 8.05 mm एंड वेट है 181 ग्राम. यस, फोन का वेट थोड़ा सा भारी है. यहाँ पे फ्रंट साइड में मिल जाता है 5.99 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का यानी 2160 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल रेजुलेशन का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 18:9 रेशियो का फॉर्म फैक्टर में और पिक्सल डेंसिटी है 403 ppi. डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1000:1 रेशियो में एंड ब्राइटनेस है 415 nits विथ 84% NTSC कलर गैमिट. फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. कलर एक्यूरेसी, व्यूइंग एंगल एंड ऑल्सो सनलाइट विजिबिलिटी इज वेरी गुड और ये डिस्प्ले 10 पॉइंट्स मल्टीटच को भी सपोर्ट करता है. और डिस्प्ले का ऊपर की तरफ आपको 2.5D कार्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, बट कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन को यूज़ किया है उसके बारे में ऑफिशियली कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया है. डिस्प्ले का दोनों साइड ही ऑलमोस्ट बेजललेस है और टॉप एंड बॉटम साइड में आपको काफ़ी कम बेजल्स मिलेगा. ऑल्सो स्क्रीन का एजेस भी राउंडेड शेप में है. ओवरऑल फोन का लुक्स काफ़ी अच्छा है एंड अगेन एक सॉलिड बिल्ड फोन है. डिजाइन में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रंट एंड बैक साइड दोनों से ही. और यहाँ पे फोन का बॉटम साइड में हार्डवेयर नेविगेशन कीज नहीं मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर एनेबल्ड ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन मिलेगा. ओके, स्क्रीन का टॉप में है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसका एपरेचर है f2.2 और पिक्सल साइज है 1 micron का और ये सेंसर सोनी का IMX376 सेंसर है. फ्रंट साइड में सिंगल कैमरा सेंसर है, बट सेल्फी लवर्स डोंट वरी, आपको ब्यूटीफाई मोड 4.0 एंड ऑल्सो सॉफ्टवेयर एनेबल्ड पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट दोनों ही मिल जाएगा. देन यहाँ पे है मेन ईयरपीस और उसके बाद है कुछ सेंसर्स एंड देन यहाँ पे है फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट और ये सिर्फ एक सिंगल कलर का LED है व्हाइट कलर में. इस बार यहाँ पे मल्टी कलर LED नहीं है और लास्ट में यहाँ पे है सेल्फी के लिए सिंगल LED फ्लैश प्योर व्हाइट 4500 केल्विन का. फोन का ऊपर की तरफ मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन एंड इंफ्रारेड सेंसर यानी IR ब्लास्टर फॉर रिमोट कंट्रोल एंड नीचे के साइड में है सबसे पहले 3.5 mm हेडफोन जैक. देन यहाँ पे है माइक्रोफोन और उसके बाद चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर के लिए माइक्रो USB पोर्ट एंड देन सिंगल बटन फायरिंग स्पीकर. अगेन गाइस, ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है. अगर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आपको अलग से एक फास्ट चार्जर परचेस करना है क्योंकि बॉक्स में जो चार्जर मिलता है वो फास्ट चार्जर नहीं है. ओके, फोन का राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर एंड पावर की और दोस्तों ये मेरे को Redmi Note 4 से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगा है. वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड पावर की काफ़ी स्टेडी है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको नाइस टेक्टाइल फील मिलेगा. और लेफ्ट साइड में मिल जाता है सिम ट्रे और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है यानी आप एक नैनो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड या तो एक नैनो सिम के साथ एक नैनो सिम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों सिम ही 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, बट आप साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक ही स्लॉट में 4G डेटा को यूज कर सकते हैं और आप इस फोन में अप टू 128 GB तक मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं.
नाउ फोन का पीछे की तरफ मिल जाता है वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप जो कि ये फोन का एक मेन यूएसपी है। और इसमें मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ एंड पिक्सल साइज है 1.12 माइक्रोन। और ये सेंसर है सोनी का सोनी IMX486 सेंसर। और जो सेकेंडरी सेंसर है डेप्थ सेंसिंग के लिए वो है सैमसंग का 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f2.0 एपर्चर के साथ, पिक्सल साइज है 1.12 माइक्रोन। और यहाँ पे दोनों सेंसर का मिडिल में आपको प्योर व्हाइट 4500 केल्विन का डुअल LED सिंगल टोन फ्लैश मिल जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन में फ्रंट एंड रियर कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हार्डवेयर एनेबल डुअल कैमरा लेंस प्रेजेंट है तो पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ही अच्छे से काम करता है एंड फ्रंट साइड में भी आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू। उसके बाद मिडिल में है फिंगरप्रिंट सेंसर। फर्स्ट इंप्रेशन में फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है और यहाँ पे फोन का बटन में मीका ब्रांडिंग दिया हुआ है डिजाइन बाय Xiaomi। अब दोस्तों मेन इंटरनल स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये फोन पावर्ड बाय क्वालकॉम का लेटेस्ट 600 सीरीज का प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 636 SoC और ये एक 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यहाँ पे टोटल 8 कोर्स है और कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिए 4 Cairo 260 सेमी कस्टम कॉर्टेक्स A73 कोर्स जो कि क्लॉक्ड है 1.8 GHz पे एंड रेस्ट ऑफ 4 कोर्स Cairo 260 सेमी कस्टम कॉर्टेक्स A53 एनर्जी एफिशिएंट कोर्स है जो कि क्लॉक्ड है 1.6 GHz पे विद Adreno 509 GPU एंड Qualcomm X12 LTE मॉडेम जो कि अप टू 600 Mbps तक डाउनलोड स्पीड सपोर्ट करता है। और ये प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन का 625 के जैसा 40 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। अब दोस्तों ये फोन दो अलग अलग वेरिएंट पे अवेलेबल है 4GB रैम एंड 6GB रैम के साथ जो कि LPDDR4X रैम है। और दोस्तों ये अभी तक का मार्केट में फास्टेस्ट रैम है। और ये फोन का इंटरनल स्टोरेज है 64GB का eMMC 5.0 फ्लैश स्टोरेज। दोनों रैम वेरिएंट के साथ ही आपको 64GB का स्टोरेज मिलेगा। फास्ट बूट के बाद 4GB वाला रैम वेरिएंट पे आपको अप्रॉक्स 1.8GB टू 1.9GB का फ्री रैम स्पेस मिल जाएगा एंड अप्रॉक्स 53GB का फ्री स्टोरेज मिलता है। ये फोन में आपको मैक्सिमम सेंसर ही मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास सेंसर, हॉल सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर एंड एटसेट्रा। यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर ही आपको इस फोन में मिल जाएगा। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट यानी 2.4GHz एंड 5GHz दोनों बैंड का ही सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों ब्लूटूथ वर्सन है ब्लूटूथ का लेटेस्ट 5.0 जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और ये फोन का बैटरी कैपेसिटी है 4000mAh का एंड होप दैट बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगेन स्टे ट्यून फॉर द फोन रिव्यू। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड नोगट 7.1.1 के साथ प्री इंस्टॉल आता है विद Xiaomi का ओन कस्टम MIUI 9 स्टेबल रॉम के साथ। ये फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा एंड जैसे कि Xiaomi ने ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में प्रॉमिस किया था मार्च तक फेस अनलॉक का अपडेट आ जाएगा, बट उसका पहले ही उन्होंने फेस अनलॉक का अपडेट पोस्ट करना शुरू कर दिया है। एंड गाइस आई ऑलरेडी गॉट द फेस अनलॉक अपडेट और ये फीचर आपको MIUI 9 का स्टेबल रॉम में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था ये फोन दो अलग अलग वेरिएंट पे अवेलेबल है। एक है 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999 रुपीज और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज और ये वेरिएंट का प्राइस है 16,999 रुपीज। आपको ये फोन एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट एंड Xiaomi का ऑफिशियल वेबसाइट me.com में मिल जाएगा। आप मेरा लिंक को यूज करके परचेस कर सकते हैं तो मेरा चैनल को कुछ हेल्प हो जाएगा। इवन दोस्तों अगर आपका सिटी में Xiaomi का ऑफिशियल स्टोर Mi Home है तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था Redmi Note 5 Pro रिटेल यूनिट का अनबॉक्सिंग, डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन। बहुत ही जल्दी और भी वीडियोस आने वाला है, डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू, गेमिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू एंड ये फोन का फुल इन डेप्थ रिव्यू विद प्रोज एंड कॉन्स एंड लॉट्स ऑफ अदर्स Redmi Note 5 Pro एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो वंस अगेन दिस इज कौशिक हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।